जैसा कि मैंने कल के दिन आप लोगों से चर्चा की थी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक थोड़ा सा इधर करो, बच्चे निकलेंगे फिर दिक्कत होगी, मैं थोड़ा साइड कर लो। कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, मैं एक बार बस रिमाइंड करा रहा हूँ, पूरी पिक्चर को थोड़ा बैक इधर करो, पैर लग रहा है। कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, कॉस्मिक एक्सप्लोजन जब हुआ तो उसे हम कहते थे, उससे पहले जब कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ 15 अरब साल पहले, तो उसे हम क्या कहते थे, एक प्राइमेबल एटम कहते थे, प्राथमिक परमाणु कहते थे। आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब जो हमारा जो न्यूक्लियस था जब वो बना था तो उसमें कई ऐसे पदार्थ थे जिनके नाम आपने पहली बार सुने, जैसे न्यूट्रिनो है ना, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एसेट्रा एसेट्रा, कई ऐसे पदार्थ थे जिनके पहली बार तो उनको तुम्हें दिक्कत हो रही थी, ड्यूटोरियम, हाइड्रोजन आइसोटोप और एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन अब क्या है कि अब वो पदार्थ तो दिमाग में आ गए, तो आगे जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ऑनलाइन क्लास में तो वो आ रहा है, एक्सपायर बता रहा था मेरा सेशन, आप देख लीजिएगा, तो वो जो पढ़ने में वो इजी लगेगा। तो आज हम बात करेंगे अपनी गैलेक्सी की। आकाश गंगा, ठीक है, ये जो आकाश गंगा होती है, आप फिर से रिमाइंड करिए, स्टीफन हॉकिंस और जॉर्ज लैमेंटर कहीं ना कहीं एक बिंदु पर हमारे पूरे ब्रह्मांड को मानते थे, रिकॉल करा रहा हूं मैं, एक बिंदु थी जिसे पूरे ब्रह्मांड को मानते थे। यकायक संकेंद्रीकरण के कारण उसमें एक्सप्लोजन हुआ, और ये एक्सप्लोजन जो एक्सप्लोजन हुआ उससे सारा पदार्थ जो बिखरा वो एक ही समान थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय संतुलन जैसा दिखाई दिया। एक्सप्लोजन हुआ तो 10 लाख में सेकंड की मैंने बात की थी, तो इसमें कॉस्मिक रेस निकलने लग गई। जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड हुई तो यहां पे कई तरह के पदार्थों की उत्पत्ति हो गई, पार्टिकल्स बन गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, एसेट्रा एसेट्रा। जब 100 सेकंड आयु हुई हमारे ब्रह्मांड की तो क्या हुआ था, 10 पे पावर 9 कैल्विन, 10 पे पावर 9 आ गया, आ गया वो खुला हुआ, 10 पे पावर 9 कैल्विन टेम्परेचर घट गया और संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो गई, जिससे हमारा अनुपात क्या आ गया था, 3:1। समझ में आया? और जब प्रोटोन हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन से प्रभावहीन हो जाते हैं तो पहले हम ब्रह्मांड नहीं देख सकते थे, वो क्या हो गया, फिर ट्रांसपेरेंट बन गया। बस इसमें कुछ था ही नहीं, इतना ही लिख दोगे नंबर मिल गए, इतना ही लिखोगे एंड यू विल गेट ए नंबर, खत्म हो गया। फिर मैंने कल बताया उसके बाद कोवे योजना, COVE, क्वेश्चन पीएससी में ही आया है, कोवे योजना कब हुई थी शुरू, 1965 में। कोवे का मतलब कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, जो विस्फोट हुआ था, कोबे एक अंतरिक्ष यान था जो ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया था, और वहां पे जाके वो क्या पता लगा रहा है कि जो पारा पदार्थ ब्रह्मांड में फैला हुआ है 894 किलोमीटर ऊपर भेजा था, ये पता लगा रहा है जो ब्रह्मांड में भेजा गया है वो क्या उसका घनत्व समान है या नहीं, यानी एक ही का ही हिस्सा है एक्सप्लोजन का हमारा सौर मंडल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ओके चलो ये हो गया। अब उसके बाद हमने एक योजना और पढ़ी थी, एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय वर्ष 2009 की बात की थी हमने कल। 2009 में क्या पढ़ा था हमने, गैलीलियो ने सर्वप्रथम 1609 में यानी 400 साल पहले पहली बार खगोलीय की प्रयोग किया था, दूरबीन से जानने की इच्छा की थी, इसलिए संपूर्ण विश्व की जो महासभा है हमारे देशों की वो 2009 को एक एस्ट्रोनॉमी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ईयर के रूप में मनाती है। कल आप नहीं आई थी,
आई थी, गुड मॉर्निंग अनुज, एस्ट्रोनॉमी ईयर के अनुसार मनाती है। मेरे पास समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये हो गया मेरा क्लियर बात। ओके, सेकेंड थिंग, तो ये हमारा पूरा ब्रह्मांड का एक वो था। फिर क्वार्क बताया था मैंने, क्वार्क एक सब पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सृष्टि की रचना का मूल तत्व होता है क्वार्क। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? न्यूट्रिनो क्या होता है? डार्क मेटल टाइप की ऊर्जा होती है जिनका द्रव्यमान होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ही 0.005% होता है। पल्सर होता है जो रेडियो छोड़ते हैं, रेडियो तरंगे निकलती हैं। स्टार होता है, कभी सुकुड़ता है, कॉलैप्स होता है, कभी एक्सप्लोड होता है, जिससे रेडियो वेव्स निकलती है। तो ये हमारा कल का पूरी भूमिका थी। आज हम बात करेंगे हमारी आकाश गंगा की, ठीक है? या गुड मॉर्निंग। तो हमारी बात आती है कि हमारी जो आकाश गंगा है, आराम पहले समझेंगे, हमारी जो आकाश गंगा है वो है क्या और इसका आकार कैसा है, ठीक है? सर्पिला कार, ठीक है बेटा? ओके, सर्पिला कार। अब ये जो आकाश गंगा होती है, ठीक है ना, ये जो आकाश गंगा है हमारी, मैं अपनी बात करता हूं, इसे हम कहते हैं मंदाकिनी। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा चर्चा करूंगा। ब्रह्मांड गैसेस का, धूलों का कण है। जो ब्रह्मांड पूरा बना है उसमें डस्ट पार्टिकल है, हाइड्रोजन गैस के बड़े 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 बादल हैं जिससे हमारे ब्रह्मांड की संरचना होती है। इसके हाइड्रोजन, अभी कोई लिखेगा नहीं, प्लीज पहले समझेंगे, हाइड्रोजन गैस के बादलों से, गैस के बादलों से किसकी संरचना होती है? हमारे ब्रह्मांड की और निहारिका। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नेबुला 10, नेबुला को ही निहारिका कहते हैं, निहारिका ही नेबुला होती है। निहारिका का लैटिन नेम, लैटिन नाम होता है नेबुला। समझ में आया? कोई अलग चीज नहीं होती है। ओके, तो जो ब्रह्मांड है, जैसे मैंने बताया, आकाश गंगा का पुंज से ही, पहले आकाश गंगा, खूब सारी आकाश गंगा बनी, तो उनका पुंज बना, उससे क्या बन गया? ब्रह्मांड की संरचना हो गई। तो निहारिकाओं से ही हमारी सारी आकाश गंगा से सब निहारिका ही बनके ब्रह्मांड का संरचना करती है। और निहारिका क्या होते हैं? गैस के बड़े बड़े बादल होते हैं जिनमें तारों का निर्माण हो जाता है और आकाश गंगाओं की संरचना हो जाती है, यानी नेबुला, ठीक है? और जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं। ओके ओके, अब बात आती है कि आकाश गंगा की आकृति होती क्या है, आकाश गंगा की आकृति क्या होती है? आकाश गंगा की तीन प्रकार की आकृति होती है। हो सकती नहीं है, होती ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? हम स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं। आकाश गंगा की एक होती है इरेगुलर शेप्स, जिसे मैं कहूंगा क्या कहते हैं, इरेगुलर को मैं कहूंगा असमान, असीमित, असमान आकृति पहली होती है, असीमित आकृति, असमान, इरेगुलर, कैसी भी इरेगुलर, ठीक है ना? अनियमित, अनियमित ज्यादा सही शब्द है, अनियमित, ठीक है? दूसरी हमारी जो स्पाइरल है, आकाश गंगा है, उसकी आकृति बदलती है। दूसरी आकृति इरेगुलर हो गई, दूसरी होती है सर्पिलाकार स्पाइरल, और तीसरी होती है दीर्घ वृत्ताकार। क्या बेटा? हाँ, इलेक्ट्रिकल, समझ में आया? दीर्घ वृत्ताकार। तो जो आकाश गंगा होती है वो निहारिकाओं से बनती है, गैस के बड़े बड़े हाइड्रोजन के बादलों से बनती है। तो जब बादल बने नहीं होते, मतलब तारे सितारों का निर्माण नहीं होता, तो उसकी आकार कुछ होता है असमान, इरेगुलर शेप होती है, ठीक है? अब गैसेस से ही सूर्य चंद्रमा तारे बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब जब उसके कंपोजिशन जब बनता है, संकीर्ण होता है, तो तारे सितारे बनते हैं। जब उनसे बनना शुरू होते हैं
तो वो आ जाती है स्पाइरल शेप में, सर्पिलाकार में। और जब पूरे के पूरे तारे सितारे बन ही जाते हैं, कुछ गैस बचती नहीं है, कम मात्रा बचती है गैस की, तो फिर वो अपनी आकाशगंगा अपना रूप बदल देती है और वो बन जाती है दीर्घ वृत्ताकार। यानी फाइनल स्टेज अगर मैं अपनी गैलेक्सी की बात करूं, मतलब आकाशगंगा की गैलेक्सी की बात करूं, तो फाइनल शेप हमारी क्या आएगी? दीर्घ वृत्ताकार। अभी हमारी क्या है? सर्पिलाकार। अब कहते हैं स्पाइरल शेप पे हमारी गैलेक्सी है, तो एक ना एक दिन इसमें भी आएगी ही, कन्वर्ट होगी नहीं होगी, जब वो सब गोल गोल पिंड हमारे बन चुके होंगे, मैक्सिमम तारे बन चुके होंगे। ये क्लियर हुआ आपको तीन चीजें? ओके। अब बात आती है कि मैंने आकाशगंगा का पहले आकार बताया, अब जो मेरी आकाशगंगा है, ठीक है, उसमें ये जो तीन भुजाएं बताई थी मैंने आपको पहले भी, एक भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, सेकेंड आर्म्स और थर्ड आर्म्स, हमारी आकाशगंगा में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। एक क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ पीएससी में कि जो हमारी सेंटर की भुजा है हमारी आकाशगंगा, ठीक है, चलो उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बल्ज, BULGE, बल्ज, जो हमारी केंद्र है, हमारी आकाशगंगा का केंद्र है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बल्ज कहते हैं। समझ में आया? बल्ज। ओके। अब बात आती है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। कोई चिल्ला रहा है मिल्की वे, कोई कह रहा है दुग्ध, कोई कह रहा है मेरावत। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। इंग्लिश में भी मंदाकिनी ही कहते हैं, मंदाकिनी। तो ये मिल्की वे क्या है? मंदाकिनी के अलावा मिल्की वे क्या है? डिजाइन नहीं, जो एक श्वेत प्रकाश का सीधी सरिता है जो हमें दिखाई देता है, श्वेत बिल्कुल प्रकाश की सीधी सरिता है, उसे हम कहते हैं मिल्की वे। दुग्ध जिसमें प्रकाश की सीधी सरिता जाती है, जो दृष्टिगोचर होता है क्षेत्र हमें, वो कहलाता है मिल्की वे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या कहलाता है वो? मिल्की वे। समझ में आया? लेकिन पूरी आकाशगंगा को हम मिल्की वे नहीं कहते, वो एक सदृश क्षेत्र है जिसमें प्रकाश गुजरता है, सरिता है, सदृश सरिता है। हमारी मतलब जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है बेटा? मंदाकिनी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और जो सरिता दिखाई दे उसे दुग्ध मेखला कहते हैं। क्लियर हुआ? मिल्की वे। तो ये हमारी आकाशगंगा। अब ये हमारा बल्ज है, जो बिल्कुल केंद्र है हमारी आकाशगंगा का, जो केंद्र है उसे हम क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं, BULG, बल्ज के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं इसका एक छोर से दूसरा छोर देखूं, यहां से लेके दूसरा छोर मैं देखूं, तो उसकी एक छोर से, यानी एक कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर, तो एक छोर से दूसरे छोर की दूरी, जो छोर की दूरी है वो हमारी सी प्रकाश वर्ष है। कितनी है? हमारी आकाशगंगा की एक छोर से जो दूसरे छोर की दूरी है वो कितनी है बेटा? 80,000 प्रकाश वर्ष। कितना? 80,000 लाइट ईयर। अब मैंने कल ही आपको बताया था लाइट ईयर का मतलब क्या होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है 9.461 × 10^12 किलोमीटर जो लाइट ट्रेवल करती है, 10 ट्रिलियन किलोमीटर जो ट्रेवल कर लेती है, समझा? वो क्या होता है? लाइट ईयर होता है। ज्यादा 10 ट्रिलियन, ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी 9.461 × 10^12 किलोमीटर। एक छोटा सा प्रश्न और आ सकता है कि हमारी जैसे खगोलिक इकाई जो हम नापते हैं, एक सितारे से दूसरे सितारे तक को हम जब देखते हैं तो किलोमीटर में नहीं नाप सकते, हम लाइट ईयर का प्रयोग करते, बहुत बड़ी दूरी है।
अब मैं बोलूं 95 खरब किलोमीटर तो कैसे समझोगे? कोई समझ में नहीं आएगा 95 खरब किलोमीटर कितना हो गया, एक वर्ष में 95 खरब किलोमीटर पहुंच गई। खरब भाई, यहाँ हजार नहीं समझ में आए, चलो ठीक है, हजार तो बातों समझ में आता, चलो ठीक है, तो 10 ट्रिलियन, तो हम किलोमीटर 10 ट्रिलियन थोड़ा समझोगे, तो हम क्या करते हैं प्रकाश वर्ष को देखते हैं, लाइट ईयर, और इसको हम पारसेक में भी देखते हैं। अधिमान क्या है? जो खगोल की इकाई में पारसेक का ज्यादा प्रयोग करते हैं, पारसेक का प्रयोग भी हम सबसे ज्यादा करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। आकाश गंगा का जो केंद्र है उसका अगर व्यास, व्यास तो जानते हो, डायमीटर, डायमीटर अगर कोई पूछ तो वो बल्ज कहलाता है, डायमीटर जो है वो है 80,000 प्रकाश वर्ष। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब ये बात आगे की कि जो आकाश गंगा है, हमारी जो भी आकाश गंगा है, बेसिकली हम उसकी कौन सी भुजा में रहते हैं? मध्य, मध्य मिडिल आर्म, ये तीनों ही भुजाएं घूम रही हैं, हम इसकी मध्य भुजा में रहते हैं, यानी यहां, ठीक है। अब इस मध्य भुजा की मोटाई की अगर मैं बात करूं तो इसके मध्य भुजा जहां पे हमारा सोलर सिस्टम क्वेश्चन आ सकता है, हम किस भुजा में स्थित है? अपनी मंदाकिनी के मध्य भुजा में स्थित है। और इस मध्य भुजा का अगर मैं व्यास की बात करूं तो ये मोटाई जो है वो है 3000 प्रकाश वर्ष, 3000 लाइट ईयर चौड़ाई है, ब्रॉडनेस है, किसकी? हमारे मध्यवर्ती भुजा की, जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारा पूरा सोलर सिस्टम रहता है। समझ में आया? 80,000 व्यास, डायमीटर किसका? केंद्र का, जिसे हम बल्ज कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जिस पे हम रहते हैं, मध्यवर्ती भुजा, मिडिल आर्म्स, जिसका मतलब मोटाई कितनी है? 3000 प्रकाश वर्ष हम नाप सकते हैं। चलो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अब ठीक है, ये आकाश समझ में आ रही नहीं आ रही? तीन शेप्स होती हैं, अनियमित, सर्पिलाकार और दीर्घवृत्ताकार। ओके ठीक है, अब ये सब निहारिका से बनी है। अब आता है आकाश पुंज, आकाश गंगा के पुंज, जिससे मैंने बताया था सुपर क्लस्टर गैलेक्सीज। हमारा जो ब्रह्मांड बना है वो किससे बना है? सुपर क्लस्टर गैलेक्सी, मतलब आकाश गंगा से कई आकाश गंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किया है उसने। मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? सो जो हमारी ये आकाश गंगा है, कहा जाता है इतनी विशाल है कि लगभग 24 आकाश गंगाओं का पुंज है। हमारी आकाश गंगा के इर्द गिर्द जो मिलके हमारी बनी हुई है, ये लगभग 24 आकाश गंगाओं का पुंज है, यानी 24 सुपर क्लस्टर गैलेक्सीज का ये पुंज है। कोई डाउट तो नहीं है? अभी हमारी जो आकाश गंगा है ये 24 सुपर क्लस्टर गैलेक्सी यानी आकाश पुंज, आकाश गंगा पुंज से निर्मित है। कोई डाउट तो नहीं है अभी? चलो अब आगे आते हैं। ब्लैक होल, जो कि हर जब भी हम बच्चे थे छोटे में तब भी दिमाग में यही रहता था, ब्लैक होल का जब भी नाम आता था हम बड़े क्यूरियोसिटी होती थी हमारे अंदर से कि भाई ब्लैक होल क्या, ये ब्लैक होल क्या, कृष्ण विवर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये क्या है, कैसे है। इवन आज भी अगर मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे नहीं जानते, ठीक है ना। तो कृष्ण विवर के बारे में थोड़ा चर्चा करूं, क्योंकि जो कृष्ण विवर है, जो ब्लैक होल है, वो हमारे आकाश गंगा के मध्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिल्कुल मध्य में, हमारी आकाश गंगा के मध्य में एक कृष्ण विवर स्थित है, ठीक है। चलो मैं यहां दिखाई दे रहा ना, हाँ मैं लिख देता हूं, एक कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा के कहां पर स्थित है बेटा? मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है, सेंट्रल में स्थित है हमारे आकाश गंगा के, ठीक है। तो ये जो हमारी आकाश गंगा है, क्या ये
कृष्ण विवर का होना सही है या नहीं। तो देखो जब हम, और ये नाम किसने दिया सबसे पहले, मतलब ये समझ में नहीं आता कि नाम किसने दिया और कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया और क्या बताया कृष्ण विवर के बारे में। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो देखो सबसे पहली बात, जो कृष्ण विवर है वो हमारी आकाश गंगा के मध्य में स्थित है। कृष्ण विवर होता क्या है? कृष्ण विवर एक प्रकार का तारा होता है। क्या होता है? तारा। इट वॉज अ स्टार, एक तारा था, होता नहीं है, एक तारा था, लेकिन वो किसमें बदल गया? वो एक ब्लैक होल में बदल गया। तो कौन सा तारा ब्लैक होल में बदलेगा? तो देखो हमारा जो सूर्य है, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सूर्य है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जिसका व्यास कितना है? 13,91,000 किलोमीटर। जो हमारा सूर्य है, अगर कोई तारा हमारे सूर्य से 15 गुना ज्यादा बड़ा हो, कोई भी तारा अगर हमारे सूरज से 15 गुना बड़ा हो, आपका समझ में नहीं आएगा, मैं चंद्रशेखर सीमा बताऊं, अगर 1.44 मोलर मास बताऊं, समझ में नहीं आए आपको। सीधी बात अगर मैं करूं, हमारे सूर्य से अगर कोई भी स्टार, एंड हमारा सन भी स्पेस में क्वेश्चन था ना, विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर फ्रॉम अर्थ, द सन, आफ्टर दैट प्रोक्सिमा सेंटोरी, सेंचुरी नहीं सेंटोरी, बच्चे सेंचुरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सेंचुरी, सेंचुरी सेंटोरी, चलो कोई बात नहीं, 15 गुना बड़ा हो, अगर कोई भी तारा हमारे सूरज से 15 गुना बड़ा है तो वो कभी सुपरनोवा नहीं बनेगा, विस्फोट होकर सुपरनोवा, वो क्या होता है? वो कोलैप्स होता है, जब उसका जल जाता है ना सारा चीज, हाइड्रोजन जल जाती है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, वो पता है, तो वो क्या कोलैप्स होता है, 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 और बिल्कुल सुकुड़ता है, और वो इतना ज्यादा सुकड़ जाता है, उसका जो कुछ चीज सुकड़ती है तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, केंद्र का घनत्व बढ़ता है, तो उसका घनत्व इतना बढ़ जाता है, वो इतनी, मतलब उससे लाइट भी पास नहीं हो सकती, बिल्कुल भी लाइट भी पास नहीं हो सकती, एकदम काले रहते हैं बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक इनका ग्रेविटी, तो भाई कुछ ही कोलैप्स होगी। सोचो सूर्य से 15 गुना बड़ा तारा ब्लैक होल में कन्वर्ट हो रहा है कोलैप्स होने के बाद, कोलैप्स होने के बाद, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब कोलैप्स होने के बाद बन रहा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण कितना बड़ा होगा। अच्छा तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि हमारे ये पूरे सौर मंडल को भी खा सकता है, एक कृष्ण विवर ये सौर मंडल को निकल जाए पता भी नहीं, भाई जो सूर्य से 15 गुना बड़ा हो, हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा सूर्य है? 12.5, मतलब हमारा 13,000 किलोमीटर का तो व्यास है हमारी पृथ्वी का, कितनी बड़ी पृथ्वी है? 13,000, 12.5 हजार, 13,000 किलोमीटर तो हमारा व्यास है पृथ्वी का, और सूर्य का व्यास 13,91,000 किलोमीटर है, और उससे भी 15 गुना बड़ा अगर कोई कृष्ण विवर होगा, मेरी बात सोचिए, होगा तो वो कितना शक्तिशाली होगा, तो उसके सामने सूर्य हमारे पूरे ग्रह को निकल जाए एक बार में, लेकिन सोचे कि अगर वो होगा, बाहर बैठ जाओ, अगर होगा तो कितना बड़ा होगा, तो सोचिए कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी ज्यादा और कितनी बड़ी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो ये केंद्र विवर, मतलब विवर हमारे सेंट्रल में लोकेटेड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यही केंद्र विवरों के कारण, कृष्ण विवरों के कारण एक तरफ ये पूरे ब्रह्मांड के नियमों को धता बता देते हैं, मतलब नष्ट कर, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्रह्मांड क्या कहता है? संरचना। ब्रह्मांड का मतलब ही क्या होती है? संरचना, संरचना होना, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? और ये कृष्ण विवर उस संरचना का एकदम विपक्ष है, खत्म करना, डिस्ट्रक्शन है। लेकिन बताना चाहूंगा इन्हीं कृष्ण विवरों के कारण ही, यानी ब्लैक होल के कारण ही, पूरी पृथ्वी का नहीं, पूरे आकाश गंगा का नहीं, पूरे समूचे ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण जुड़ा हुआ है, यानी हर ब्रह्मांड का हर एक तारा, सूर्य, आकाश गंगा को जो जोड़ के रखे हुए है वो यही ब्लैक
ब्लैक होल्स, अगर इनका अस्तित्व खत्म हो जाए तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, मैग्नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है जो हमारे समूचे ब्रह्मांड को एक दूसरे का चक्कर लगाने के लिए बाध्य कर सके। ये साइंस कहती है, नासा कहता है। तो ये कृष्ण विवर जो है ये एक प्रकार के क्या है बेटा, पूरे समूचे ब्रह्मांड को जोड़कर रखने की एक कड़ी है, जीवन की एक कड़ी। अगर ये ग्रेविटी सेंटर में खत्म, एक कृष्ण विवर नहीं है, हजारों सितारे मृत होते हैं और हजारों सितारे जो सूर्य से 15 करोड़ बड़े होते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 15 गुना बड़े होते हैं, वो सब नष्ट होते हैं और वो ही कृष्ण विवर बनते हैं और ये समूचे ब्रह्मांड को फिर से रोके रहने का कारण करते जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो वो सच थी जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी, यूनिवर्स क्लंच एक ना एक दिन जरूर होगा, ये बनेंगे तो बनेंगे, तो जा रहा है ना, तो ये तो बनेंगे बनेंगे, हाइड्रोजन खत्म होगी तो जब ये बनेंगे तो 15 गुना बड़ा सूर्य जब कोलैप्स होगा और उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी वो एक इस लेवल की होगी कि शायद ही उससे कोई पार पा सके। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ओके, अब आती है बात कि कृष्ण विवर का सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन ने 1967 में इसका मतलब नाम दिया था। उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण दिया था जो समूचे विश्व के लिए था। उन्होंने कहा था ब्रह्मांड ज्ञात और अज्ञात, उनका टाइटल था ब्रह्मांड ज्ञात और अज्ञात, ब्रह्मांड एक बार ज्ञात और अज्ञात, पता या नहीं पता। तो उन्होंने ही बताया था ये ब्लैक होल, उन्हीं का है ये 1967 में दिया हुआ भाषण कि समूचे ब्रह्मांड को कृष्ण विवर खत्म कर दिए जाए तो हम भी खत्म हो जाएंगे, तो उतने ही हमारे जरूरी जितना कि चलो ठीक। ये समझ में आ रहा है अभी आपको? अभी तो लिखना नहीं, पहले समझो। ओके, तो ये हमारा ब्रह्मांड। अब आते हैं हम कृष्ण विवर, समझ में आ गया हमारा कहां पर है? बिल्कुल है, ठीक है। अब बात आती है पृथ्वी के पास के तारे और सितारों की, बात करूं मैं तो जो अच्छा ठीक है, उससे पहले हमारा जो सौर मंडल है, जो सूर्य है, मैं सूर्य की बात करता हूं, सूर्य हमारे मध्य से, मतलब जो आकाशगंगा का सेंटर तो होगा ना, केंद्र सेंटर होता है जिसे बल्ज कहते नहीं कहते, जो सेंटर है उससे हमारे सूर्य की जो दूरी है वो है 32,000 प्रकाश वर्ष। 32,000 प्रकाश वर्ष कितनी दूरी है हमारी? 32,000 प्रकाश वर्ष। जो हमारा सौर मंडल है, जो सूर्य है, वो हमारी आकाशगंगा मतलब मंदाकिनी के केंद्र के कितना दूर है? 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे। अब जैसे कि मैंने बताया था, मान लो ये इधर दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे एक ले लेते हैं हम आकाशगंगा, तो जैसे पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य भी हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो हमारे सूर्य को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 250 मिलियन ईयर लगते हैं। अब मैं मिलियन तुम बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, 25 करोड़ साल लगते हैं हमारे सूर्य को आकाशगंगा का परिक्रमा लगाने में, कितने लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष। तो हमारे सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है संपूर्ण आकाश गंगा को चक्कर लगाने, 250 मिलियन भी हम कन्फर्म कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, लगा के आने में। चलो ठीक, तो मध्य भाग में हम स्थित हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पृथ्वी के पास के तारे, ठीक है ना, कई तारे हैं। तो कभी दिमाग में ये नहीं आता कि भाई हम तारा तारा स्टार 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 बात करते हैं तो ध्रुव तारा तो हमें हर दिन दिखाई देता है, आया ना? चलो सॉरी, कहां तक दिख रहा है, थोड़ा सा पोर्शन मुझे मिटाना होगा। ओके, देखो हमारी आकाश गंगा के, ये मानो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, उसके पास एक और आकाश गंगा है, होती है हमारे आकाश जो गंगा है उसके पास की एक और आकाश गंगा है जिसे हम कहते हैं एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं? एंड्रो, ANDROMEDA, एंड्रोमेडा कहते हैं, समझ में आ रहा है?
जो हमारे, ये हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी, ये हमारी मंदाकिनी, ये एंड्रोमेडा, ठीक है। हमारी आकाशगंगा से जो दूसरी आकाशगंगा है वो लगभग 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। कितनी लाइट ईयर दूर है? 2.2 लाइट, 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। समझ में आ रहा है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है ना। तो मतलब 10 लाख और 10 लाख 20 लाख, तो मतलब 2.2 मिलियन लाइट ईयर हमसे दूर है जो हमारी आकाशगंगा है। और जो दूसरी हमारी एंड्रोमेडा है उसमें हमारी आकाशगंगा के कंपैरिजन दुगने तारे हैं, डबल तारे मौजूद हैं, स्टार्स मौजूद हैं। मतलब हमारी आकाशगंगा से जो एंड्रोमेडा दूसरी, वो 2.2 मिलियन लाइट ईयर जो दूर है, जितने तारे हमारे आकाशगंगा में हैं उससे दुगने तारे एंड्रोमेडा में मौजूद है। मेरे पास समझ में आ रहा है? हमारी आकाशगंगा जो है उसमें, जैसे मैं आपके आकाशगंगा बताना चाहूंगा, हमारी जो देखो मैंने बताया था संपूर्ण ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो सोच सकते हो पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं मौजूद हैं? 100 अरब यानी 1 खरब, 100 करोड़ कहते हैं। और हर आकाशगंगा के अंदर 1-1 खरब तारे मौजूद हैं, 100-100 अरब तारे मौजूद हैं। मतलब कितना बड़ा ब्रह्मांड है जो हम जानते हैं, अनुमान लगा रहे हैं। 100 अरब आकाशगंगा है और उन 100 में से प्रत्येक एक में 100-100 अरब तारे मौजूद हैं। तो 100 अरब तो हमारे में भी हो सकते हैं तारे, स्टार। सन भी एक स्टार है, सन जैसे स्टार कितने मौजूद हैं। और एक स्टार बताया था ना बिटलगुज, जिसमें 2.4 करोड़ सूरज आ जाए, हमारे जैसे 2.40 करोड़ सूर्य समा सकते हैं बिटलगुज में। तो सोचो वो कितना बड़ा तारा है। तो ऐसे तारे अगर 100 अरब हो गए तो कितना बड़ा आकाशगंगा, यू कैन नॉट इमेजिन इवन कि हमारा ब्रह्मांड हो सकता है। तो ये हमसे 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। और इसमें हमारे से दुगने तारे मौजूद। क्लियर हुआ मेरी बात? ओके, अब बात की, चलो ठीक है। ये बात, ये हमारी सौर मंडल है, पृथ्वी, अर्थ, ये है अर्थ, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब हमें हमारे उत्तरी ध्रुव पे ध्रुव तारा दिखाई देता है, हाँ या ना, ध्रुव तारा। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि ध्रुव तारा की दूरी हमारे से कितनी है? वो तो हमें दिखाई देता है। इवन अक्षांश और देशांतर का निर्धारण बच्चों को यही नहीं मालूम होता, एमपीसी तैयारी करने लगाते हैं कितनी अक्षांश मौजूद है पृथ्वी पर। खैर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अक्षांश और देशांतर का जो निर्धारण होता है, अक्षांश का निर्धारण यहाँ जीरो हो जाती है भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे जीरो। क्यों हो जाती है? क्योंकि ध्रुव तारे की रोशनी यहाँ पर आके खत्म हो जाती है। ये लैटिट्यूड जो हमने बनाया है ये हमने ध्रुव तारा के कारण बनाया है। उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर जो ध्रुव तारा है वो 90 डिग्री के कोण में पड़ता है, 90 डिग्री के एंगल पे पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उत्तरी ध्रुव कितने कोण पे है? 90 डिग्री का बिंदु है, 90 और 90, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कहां पर? ध्रुव तारा, ठीक है। अब जब भी कोई तारा किसी भी स्थान पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उस तारा हमेशा 24 घंटे दिखाई देता है। ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई वस्तु किसी पे अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है, दिखाई देती है, तो वो 24 घंटे विजुअल रहती है, कभी भी छुपती नहीं। भाई ऊपर है ना पृथ्वी, कहीं भी आ जाए वो दिखाई देगी जहां पर 90 डिग्री, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है ना 90 डिग्री, तो ऊपर से घूम रहा है, नहीं घूम रहा, तो हमेशा 24 घंटे उसका विराजमान रहेगा। तो क्यों हम बोलते हैं कि सन इज अ नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, जबकि ध्रुव तारा तो हमारे कितने पास है? पौराणिक कथाओं में भी ध्रुव तारे का काफी अच्छा विवरण वर्णन हमने किया हुआ है। या सुनो, यह नहीं किया किया हुआ है, अंदर आ जाओ, एसी चला के बैठ जाओ बस तुम।
वहां यहाँ नौकरों के बड़े दिमाग खराब रहते हैं, एसी चला के आराम से बैठे हैं भाई साहब, यहाँ बैटरी जा रही है। ये क्लियर हुआ? यस ओ नो? ओके। तो बात आती है कि 9.461 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो हमारे जो तारे हैं, जो दूरी मैंने लाइट ईयर आपको समझाई, तो हमारे पृथ्वी का मैं यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, या दिखाई दे रहा है, देखो ये हमारी अर्थ है, इट्स अवर ERTH, ठीक है। हमारा जो ध्रुव तारा है वो हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है और वो है यहां पर, ठीक है। ध्रुव तारा जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है और वो हमारे यहां पर है, बिल्कुल ऊपर स्थित है। ओके, अब ये जो ध्रुव तारा है, अरे अर्थ का सबसे नियरेस्ट बताऊं, इधर से इधर है, तो वो है हमारा 15 करोड़ किलोमीटर दूर, जो एमपीसी को है, बड़ा दिखता है और ज्यादा प्रकाश देता है, गर्मी आती है, आधा आरम्मा गर्मी, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से हमारा सन, ठीक है। अब उसके बाद जो सन है, सन के पास एक और तारा आता है जो पृथ्वी से, अगर मैं बात करूं ऐसे, यहां मैं यहां पे ये तारा, अब तारा मान लेता हूं इसको तारा, ये कहलाता है हमारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी, सेंटोरी, ठीक है। ये जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है ये हमारी पृथ्वी से 4. अगर मैं बोलूं तो 4.5 नहीं लेकिन 2 लाइट ईयर दूर, 4.2 लाइट ईयर दूर, समझ में आया। सन सबसे नियरेस्ट स्टार, उसके बाद हमारा, सन के बाद हमारा क्या आता है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य के बाद कौन सा तारा है जो पृथ्वी के पास का है, तो प्रोक्सिमा हो गया, सेंटोरी हो गया, उसके बाद हमारा अल्फा सेंटोरी, ये सेंटोरी बहुत बड़ी ब्रांचेस है, तारों के ग्रुप है, ठीक है। लेकिन ध्रुव तारा क्योंकि यहां पर है, तो देखो ये हमारा 15 करोड़, ये हमारा 4.2 क्या लाइट ईयर, लाइट ईयर, और ये हमारा, अगर मैं इससे बात करूं तो ये हमारा एक से 9 लाइट ईयर, मैं अगर इसमें कर लूं, एक मिनट, नहीं, इसके बाद एक और तारा सीरियस डॉग, डॉग स्टार कह लो या सीरियस, बात एक ही है, डॉग स्टार, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, डॉग स्टार ले लूं या फिर मैं सीरियस ले लूं, तो वो भी हमारे जैसे ये हो गया, फिर सन हो गया, फिर सेंचुरी हो गई, जितनी सेंचुरी आएंगी सब आ जाएंगी प्रोक्सिमा सेंटोरी, है ना। उसके बाद हमारा आता है डॉग स्टार, जो कि नंगी आंखों से उत्तरी ध्रुव पे खड़े होने पर भी देखा जा सकता है। डॉग स्टार अगर उत्तरी ध्रुव से हम खड़े होकर देखते हैं तो सबसे दूर की एक जो बहुत कम दिखाई, दूर की वस्तु जो दिखाई देगी वो हमारा क्या है, सीरियस या डॉग स्टार है। और डॉग स्टार हमारे जो सूर्य है उससे 20 गुना ज्यादा चमकने वाला है, प्रकाशवान है, कितना है, 20 गुना ज्यादा प्रकाशवान, और दुगुना है और 20 गुना ज्यादा प्रकाशवान है। इसकी और इसकी दूरी अगर मैं देखूं तो 9 लाइट ईयर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9 लाइट ईयर हमारे सन से आ जाएगी। आप ऐसे याद रखो, देखो मैंने भी ऐसे याद रख सकता हूँ, आप भी ऐसे याद रखो, सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो 15 करोड़ है ही है, अगर एग्जाम में हम जाएंगे तो हम भूले नहीं, 15 करोड़ है ही, उसको ले लो 4.5 मतलब 4.2 याद रहेगा, 4.5 याद रहेगा तो 4.2 भी याद रहेगा, और 4.5 का डबल कितना होता है, 9 होता है, तो 9 लाइट ईयर हमारा सीरियस यानी डॉग स्टार आ जाएगा। और इसका तारे का नाम याद कैसे रखेंगे, सीरियस कौन हो सकता है, प्रोक्सिमा तो नहीं, कुत्ता ही हो सकता है, अगर ऐसे याद रखें तो जो डॉग स्टार है वही सीरियस हो सकता है, उसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे याद करते, सीरियस को ही हम क्या कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं, जो प्रोक्सिमा सेंटोरी का दुगना है यानी 9 है। अब आता है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कहते हैं सूर्य से 2200 गुना ज्यादा है, 2200 गुना ज्यादा तब इतना बड़ा दिखाई देता है सूर्य से। अब जब इतना 2200, जी हाँ 2200
कहीं कहीं लिखा होता है 2100 गुना, कहीं कहीं लिखा लिखा 1800, लेकिन 2200 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इतना साफ दिखाई देता है ध्रुव तारा, जिससे हमने अक्षांश का विवरण निकाल लिया। अब ये हमारा कहीं कहीं लिखा है 484 लाइट ईयर हमारे से दूर है, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है ये 700 लाइट ईयर दूर है। कितना दियर है? 2700। सोचो प्रॉक्स डॉग स्टार हमसे कितना दूर है? मात्र 9 लाइट ईयर, बहुत कम है। प्रोक्सिमा सेंटुरी कितना दूर है हमसे? मात्र 4.2 लाइट ईयर। अब आप सोचो डॉग स्टार इनसे दुगुना आते कि ना, चार गुना, मतलब कितना दूर हो गया भैया? 700 लाइट ईयर अगर मैं कंसीडर करता हूँ लास्ट का, 700 लाइट ईयर मैं कंसीडर करता हूँ, तो आप सोचो कि 700 लाइट ईयर दूर होना कितना दूर होगा, कितना बड़ा है, कितनी विजिबिलिटी होती है। तो सही बात है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारा एक प्रकार का तारों का विवरण है जो हमारे पृथ्वी से दूरी की स्थिति में आप लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ? यस और नो? तुम लोगों से, मतलब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम लोगों से मेरी इज्जत जुड़ी हुई है, मतलब मुझे इस बार निकालना मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे ये मेरी इज्जत है, नहीं तो हमारे पे दूसरी कोचिंग वाले उंगली उठाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और मेरी इज्जत इतनी हल्की नहीं है इतनी आसानी से मैं सरेंडर कर दूं। तो तुम लोग मेरी इज्जत हो इस समय, मैं ये कह सकता हूँ MPPSC की परीक्षा में, और ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं इस एटीट्यूड से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है और आपको उसकी वैल्यू रखनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ कोई नहीं कि फैकल्टी लगा कि हम टाइम पास करा के कोर्स खत्म करवा दें, मेरा वो बिल्कुल नहीं। जितना आप गहराई से जानोगे उतने ही आपके आंसर सटीक ज्यादा होंगे, ज्यादा सटीक से लिख पाओगे। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? ये समझ में आ गया? थोड़ा सा नोट कर लो जो मैं लिखवाया है, जिससे आप भूलोगे नहीं। ओके, 948 हो गया। ओके, थोड़ा सा नोट कर लेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रहे, बाकी तो इसको हमने नोट्स में डाला, यूनिवर्स को आपको मिल जाएगा ये। ओके, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मुझे आप इधरों मंदाकिनी, वेरी गुड, लिखते चलो एक एक पॉइंट्स में, सिर्फ पॉइंट हाईलाइट करने हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, ठीक है? और मंदाकिनी का वह हिस्सा, और मंदाकिनी का वह हिस्सा, मंदाकिनी का वह हिस्सा जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता सदृश दिखाई देता है, जो पृथ्वी से डायरेक्टली दिखाई देता है, प्रकाश में सरिता में दिखाई देता है, एक लाइन में दिखाई देता है, जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता सदृश दिखाई देता है, स्ट्रेट में दिखाई देता है, उसे हम मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। प्रकाश से, लिख लीजिए, पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता, एक प्रकाश सरिता सदृश दिखाई देता है, एक प्रकाश सरिता सदृश दिखाई देता है, उसे हम मिल्की वे कहते हैं, ठीक है? ब्रह्मांड में लगभग कितने तारे होंगे? 100 अरब, ठीक है? ओके, लिख सकते हैं, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और हर आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब ही तारे हैं, यानी 1 खरब आकाश गंगा है, और हर एक आकाश गंगा में 1 खरब तारे मौजूद हैं, हर 1 खरब तारे मौजूद हैं। ये आकाश गंगा कैसे कैसे हो सकती है? स्पाइरल हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, और इलेक्ट्रिकल हो सकती है। ये आकाशगंगाएं 3 तरीके की होती हैं। पहली जो उसकी पोजीशन होती है, मतलब पहली होती है ना, बिखरी होती है, तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, गैस का बादल होता है। नेबुला निहारिका का बताया ना, गैस का बादल होता है, तो वो होती है अनियमित, अनियमित, जिसका कोई नियम नहीं हो, कोई मेजरमेंट हो, अनियमित होती है। उसकी बाद वो सर्पिलाकार होती है, स्पाइरल बनती है, उसके बाद वो सर्पिलाकार बनती है, स्पाइरल बनती है, उसके बाद वो क्या होती है, सारे के निर्माण हो जाता है, मैक्सिमम स्टार दीर्घवृत्त का, इलेक्ट्रिकल,
एथिकल बन जाती है, दीर्घ वृत्ताकार बन जाती है। ठीक है, हर सौरभ तारा के बाद मैंने बोला कि हमारी आकाशगंगा का जो रूप है, शेप है, आकृति है, वो तीन प्रकार की होती है, बस वो लिखा हुआ है तीनों प्रकार की। ठीक है, अच्छा ये जो आकाश गंगाएं हैं ये कई प्रकार की रेस छोड़ती हैं, तरंगे छोड़ती हैं, जैसे इनसे इंफ्रा रेड रे आती है, अवरक्त तरंगे निकलती हैं इससे अवरक्त तरंगे आती है। देखो जब संलयन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तब विजुअल रेस भी आती है। लेकिन जो आकाश गंगाएं जो गैलेक्सीज हैं उनसे हमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनसे रेडियो तरंगे आती हैं, इनसे अवरक्त तरंगे इंफ्रा रेड रेज आती हैं, इनसे पैरावैग्नी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं। सबसे ज्यादा जो है वो आती है एक्स किरणें, एक्स रेज, एक्स रे सुना है ना, एक्स रे, तो इनसे एक्स तरंगे सबसे ज्यादा आती है। जो भी आकाश गंगा है इनसे एक्स तरंगे सबसे ज्यादा आती है। इवन ब्लैक होल भी एक्स तरंगे सबसे ज्यादा छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है जो कृष्ण विवर होते हैं ये कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा छोड़ते हैं, एक्स तरंगे सबसे ज्यादा कृष्ण विवर के द्वारा छोड़ी जाती है। ये लिख लेना, कई वेरियस वेव्स कमिंग फ्रॉम दिस गैलेक्सी, बहुत सारी तरंगे इन आकाश गंगाओं से निकल कर आती है, बहुत सारी तरंगे इन आकाश गंगाओं से निकल कर आती है, जिनमें से प्रमुख है एक्सरे, जिनमें प्रमुख है एक्सरे, रेडियो तरंगे, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें, पैरावैग्नी किरणें, परावैग्नी किरणें और गामा किरणें। गामा किरणों की सबसे ज्यादा वेदनशीलता होती है, गामा रेस सुना होगा, गामा रेस ये हम गामा रेस आती है, बस इतना खत्म। अब ये कर लेते हैं भाई, हमारी मैंने दो गैलेक्सी बनाई थी पहले, ये हमारे पास की सबसे दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, हमारे जो आकाश गंगा है यानी मंदाकिनी है उसके पास की दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, जो कितनी दूर है, 2.2 मिलियन लाइट ईयर। प्लीज नोट कर लीजिएगा, हमारे आकाश गंगा की पास की दूसरी आकाश गंगा है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ठीक है ना, एंड्रोमेडा, जो कि हमारी आकाश गंगा से 2.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है, जो कि हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसमें हमारे से कितना गुना ज्यादा सितारे हैं, दुगने, डबल। हमारी जो एंड्रोमेडा है, ये जो एंड्रोमेडा है, ठीक है, इसमें हमारे आकाश गंगा से दुगने ज्यादा तारे मौजूद हैं, दुगने तारे मौजूद हैं, ठीक है, दुगने तारे मौजूद हैं, मेरे पास समझ में आ रहा है, दुगने तारे मौजूद हैं। इवन उत्तरी ध्रुव से इस एंड्रोमेडा को देखा भी जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं, निम्न कौन सी आकाश गंगा को नग्न आंखों से देखा, नेकेड आई से वी कैन सी विच गैलेक्सी, एंड्रोमेडा को हम उत्तरी ध्रुव पे अगर पहुंच जाएं, अगर हम उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाएं तो एंड्रोमेडा को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, बहुत दूर की दिखाई जाने वाली एक आकृति दिखाई देगी। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। अब आता है हमारा कृष्ण विवर पे, लिख लो कृष्ण विवर, कृष्ण विवर, ब्लैक होल, ठीक है, इनको क्या दूरबीन से देख पाना संभव है, क्यों नहीं है, किसी भी ब्लैक होल को हम दूरबीन से नहीं देख सकते, बायनोकुलर से नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें लाइट भारी नहीं आती, जो आती समा जाता है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए जिससे हम लाइट भारी नहीं आती उसे देखना
नामुमकिन होता है, तभी तो हम बता सकते हैं। लेकिन उसका फिर फीलिंग कैसे कर सकते हैं? उससे आती हुई किरणों से। तरंगे आ रही हैं उससे, कौन सी तरंगे आ रही हैं? एक्स किरणें आ रही, नहीं आ रही काफी ज्यादा, तो उन तरंगों को हम जरूर माप सकते हैं कि हाँ इससे यहाँ पे कुछ ऐसा खतरनाक है जो कि इतनी ज्यादा रेडियो मतलब हमारी एक्स तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है। कोई बहुत बड़ा पिंड है जिसकी रेडियो तरंग एक्स तरंगे इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं, ना कि लाइट से तो हम सवाल ही नहीं लगा सकते। तो प्लीज नोट कर लीजिए थोड़ा सा। कृष्ण व्यूवर, ब्लैक होल, ठीक है, एक अमेरिका के खगोलविद ने जॉन व्हीलर, जॉन साहब लिख लो, व्हीलर लिख लो, जॉन व्हीलर ने कब बताया था? 1967 में। जॉन व्हीलर ने 1967 में सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक सभा में मतलब पब्लिक में, पब्लिक कॉन्फ्रेंस में बताया था हमारा ब्रह्मांड ज्ञात अज्ञात, नोन अननोन, आवर यूनिवर्स नोन अननोन, आवर हमारा ब्रह्मांड ज्ञात और अज्ञात, 1967 में बताया था, ठीक है ना। अच्छा, कितना गुना अधिक होगा वो तारा बन जाएगा ब्लैक होल? 15 गुना। जो भी सूर्य से 15 गुना ज्यादा बड़ा कोई तारा ही इसमें कन्वर्ट हो सकता है, हमारा ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। सूर्य से 15 गुना बड़ा तारा ही ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, और यही हमारे ब्रह्मांड को, यही कृष्ण विवर, हमारा ही नहीं ऐसे अनेक बहुत सारे होंगे, यही हमारे ब्रह्मांड को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जोड़े हुए, तभी बनता है। हाँ, तो ब्लैक बनेगा, फिर वो तो रोशना देता रहेगा, समझ में ना। अगर 15 गुना से कम है तो व्हाइट ड्वार्फ बोना सितारा बन जाता है, तो ये 15 गुना बड़ा है, चंद्रशेखर 1.44 से बड़ा है, समझ में आ रहा है? सुनो, 15 गुना बड़ा तारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड को, वो पहले बात तो कृष्ण विवर बनेगा, सूर्य से 15 गुना बड़ा तारा, जब उसका खत्म हो सुपरनोवा जैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। दूसरा, वो एक मृत तारा कहलाता है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि पूरे ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं को जोड़कर रखे हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड की आकाश गंगा को जोड़कर रखे हुए। क्लियर हो गया मेरी बात? और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस और नो? ठीक है, ये आपको बाकी तो हम उसमें करा ही देंगे। तो ये हमारा स्पायरल हो गया, ये लिख लो, और तो इतना ही कराएंगे, बाकी तो लेक्चर हमारा था ही। 80,000 व्यास है, नोट से मिल जाएगा, 80,000 व्यास है, 32,000 प्रकाश वर्ष दूरी है इसकी सूर्य की केंद्र से, चक्कर लगाता है कितने, 25 करोड़ वर्षों में सूर्य हमारी पूरी आकाश गंगा का चक्कर लगा लेता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और चक्कर के साथ साथ, अगर मैं सूर्य की बात करूं, चक्कर लगा लेता है, और चक्कर के साथ साथ 80,000 का व्यास है बीच का ये, हाँ भुजा जल्दी लिख लो, केंद्र को क्या कहते हैं बेटा हम? बल्ज, BULGE, बल्ज, जो केंद्र है हमारी आकाश गंगा का उसे हम क्या कहते हैं? बल्ज, बल्ज, बल्ब मत लिख लेना, बल्ज, बल्ज कहा जाता है केंद्र का, जहां आकाश गंगा, उसे हम बल्ज के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, सेंटर। और हम किस आर्म्स में है? मध्यवर्ती है ना, तीसरी टर्शरी है, लेकिन उसमें हम मध्य में है, भुजा में स्थित है। तो आपको आकाश गंगा समझ में आ गया। अब मेरा कल का जो टॉपिक होगा वो होगा तारे की आयु, स्टार, बस ये आखिरी है। स्टार के बाद हम आ जाएंगे फिर अपने सोलर सिस्टम पे, हमारे ग्रह उपग्रह, और वो भी हम इतना विस्तृत पढ़ेंगे कि ग्रह को जितना जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ना उस ग्रह के, हम सब यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसकी आदि तो करें। खैर, तो हम ग्रह स्थित रहेंगे, तो कल हमारा तारा शुरू हो जाएगा। अब फटाफट इस शनिवार का जरा टॉपिक लिख लो, हमारे मुख्य परीक्षा का, जो हमारे शनिवार के हर दिन आयोजित की जाती है प्रीलिम्स की, और ये ज्योग्राफी में आपका आएगा ब्रह्मांड का निर्माण का इतिहास, ब्रह्मांड के निर्माण का इतिहास, जिसमें आपको सारी परिभाषाएं देनी होंगी,
क्लाडियस टॉलमी, जो भी मैंने कराई है डेफिनेशंस, कॉपरनिक्स, कैपलर्स, हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस, सारी, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड का इतिहास पहला तो ये हो गया हमारा, ब्रह्मांड का इतिहास। दूसरा हमारा आएगा गैलेक्सी, दूसरा आएगा हमारा गैलेक्सी, मैं ज्योग्राफी का बता रहा हूँ ये अभी, गैलेक्सी, ठीक है ना, गैलेक्सी आकाश गंगा जो मैंने पढ़ाई है अभी। तीसरा आएगा जो मैं कल पढ़ाऊंगा, तारे की आयु, एज ऑफ स्टार, तारे की आयु। वो तारा किनके रूप बदलता, कहते हैं रक्तदानव, बोना तारा, सुपरनोवा, नब्बा, पल्सर, स्टार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आएगा हमारा, ठीक है ना। ये मुख्य पर 56 क्वेश्चन, इस बार 56 क्वेश्चन ही बना की कोशिश कर रहा हूँ पूरे पूरा, है ना। तो हमारा वो 56 क्वेश्चन बना लूंगा मैं, तो इस बार हमारा ये हो गया। तो नव तारा तक कल ही है तो ठीक है, ऐसा नहीं दूंगा, नहीं तो मैं फिर मैं वो दूंगा फिर कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, नव तारा हिस्ट्री हुई है, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिटी पे आ जाइए। पॉलिटी पे मैं आपको स्टार्ट करूंगा स्टेट फॉर्मेशंस, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, राज्यों का निर्माण, संसद का दायित्व, और कब 368 नहीं लगाया गया था, बेरुवारी के केस में। मैंने तो पढ़ाया बेरुवारी का जब केस किया गया था तब 368 पहले नहीं लगाया गया था, बाद में लगाया गया था, जब केंद्र सरकार को लताड़ पड़ी थी, किससे पड़ी थी, सर्वोच्च न्यायालय से, कि तुमने 1 से लेके 4 के अनुच्छेद के बाहर कार्य क्यों कर लिया। कभी भी राज्यों का निर्माण करना 368 आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता, समझ में आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जमीन किसी और को दे देंगे, वो पूरे संघ की, संसद की मतलब इजाजत लेनी होती है, तो उसके लिए 368 का प्रयोग किया जाता है बेरुवारी का क्षेत्र को लेकर, समझ में आ रहा है। ये मैंने कराया राज्यों का निर्माण, उसके बाद आएगा दूसरा नागरिकता, वो तो आज भी टेस्ट है आपका, हर दिन होता है हमारी कोचिंग में आधे घंटे का, हर दिन टेस्ट होता है, जैसा कोई प्रैक्टिस हो लिखने की, मेन पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आज आज भी है, उस दिन भी होगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप, हाउ कैन बी टेक अ सिटीजनशिप, हाउ कैन बी कॉल एज अ सिटीजनशिप ऑफ, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत में नागरिकता, ठीक है। तो 5 से लेके 11, फिर आएंगे मेरे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। फिर आएंगे मेरे नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 to 51, मैंने कराए हैं, बहुत जान लगा के कराए हैं, और इतने कराए हैं 42वां संविधान संशोधन में सारे जोड़ दिए, 38 का खंड 2 बचा था जो 44वां संशोधन में जोड़ा था 1978 में, 1978 में, ये सुनो, और साथ ही 48 का ए, 43 का ए, 48 का ए, और 39 का ए, का खा गा गाड़ा तो छोड़ के ए भी पढ़ा है तीनों, और 38 का जो 2 खा वो अपना 44 संशोधन वो आपको लिखना होगा, वो भी कराया मैंने, तो नीति निर्देश तत्व मैंने कराए, ठीक है। उसके बाद हमारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक ये अपने ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य 51 का का। उसके बाद राष्ट्रपति 52 से लेके 61, महाभियोग की प्रक्रिया तक। राष्ट्रपति में अपोनेंट भी लिखने होंगे, तुम्हें ऐसा लिखना है जो सच में बहुत विद्वान जैसा, जितने मैंने मेहनत की है, अपोनेंट्स के नाम भी लिखोगे, केटी शाह जो बताए थे बच्चों ने लिखे थे, केटी शाह लड़ा था राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ, किस पार्टी से था, क्यों लड़ा, ये आपको लिखना होगा, क्यों चाहते थे नेहरू जी केटी शाह को लड़वाना, दूसरा मतलब ये अपना राजगोपालचारी को खड़ा करना राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ, और उनका साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और आजाद साहब मौलाना आजाद, तो लिखो ऐसे तथ्य लिखोगे जो तुम्हें सबसे प्रैक्टिकल लिखना चाहिए, क्या तुम एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हो, तो ये तुम्हारा राष्ट्रपति हो गया। फिर उसे लिखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में आप लिखेंगे, जो मैंने आपको मैंने पूरे रटवा दिए थे, उपराष्ट्रपति, सभापति, देखो पहले हुआ चुनाव, चुनाव मतलब सीधी बात है भारत में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा तो सभापति का अध्यक्ष होगा, और अगर सभापति का अध्यक्ष होगा तो वो राष्ट्रपति बनने के काबिल भी होगा, अनुच्छेद 63, 64, 65 अगर वहां जाएगा तो उसका निर्वाचन जरूरी होगा, निर्वाचन होगा पदावधि का बताना होगा, और पदावधि जाएगी तो उसके पद को कौन संभालेगा, यानी उपसभापति होगा, और उपसभापति अगर होगा तो सीधी सी बात है वहां पे आकस्मिक संसद के द्वारा नियम बनाने वाला भी होगा, अनुच्छेद 70 मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी रटाया था 3-3, 4-4 बार, तो हमारा उपराष्ट्रपति भी आपको करना होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद,
जो मेरा फेवरेट था, नोट कर लीजिए, जिसके अंदर मैंने आपको चार चार पांच पांच परिभाषाएं लिखवाई थी, याद है आपको? मार्ले का संसद तैरते हैं, संसद डूब जाते हैं, अंबेडकर, ये एक भवन की आधारशिला है, मेहराब है, रुका हुआ मेहराब है, एवरीथिंग। मंत्री परिषद का पूरा लिखना होगा आपको, और उसके प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद, ठीक है। लोकसभा जो मैंने कराया है, आज भी कराऊंगा, कल भी कराऊंगा, लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से पढ़ के आना होगा। मूल संविधान में 500 थे, अनुच्छेद 81 के तहत चर्चा, वो करना होगा। समझ में आया? तो ये आप तो हो गया। चार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं ज्यादा चार्टर नहीं देना चाहता हूं, तो मैं बहुत अच्छा करूं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे जो क्राउन के चार्टर थे 1858 के बाद के कर लो, बस ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले के छोड़ दो। 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1919 और 1935 के बीच का इतिहास, साइमन कमीशन, 14 सूत्री कार्यक्रम और चलो ठीक है, चार्टर भी रहने तो लेके अगली बार ले लूंगा, ठीक है। और सुन लो, अभी कहां खत्म है, पीडी कहां गया? आज हमारे कितने पीडी तक थे? 30 थे, कहने को 32 हो रहे थे, मैंने गिने थे, लेकिन एक दो पन्ने कम हो गए, सब गिने थे मैंने। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज हो गए 5, 10, 17 और दो दो का चार चार कितने होते हैं? 34। चलो ठीक है, आपके टोटल जो पेजेस मैं ले रहा हूं उसमें से वस्तुनिष्ठ निकालूंगा, प्रत्युदर्पण वस्तुनिष्ठ, कोई करंट अफेयर अपना चल रहा है उसमें से, ठीक है ना? तुम्हारी ना मेरी, आप 30 दे रहे हो, आज का दिन भी है, कल का दिन भी, कल शुक्र है, परसों दे रहे हो, सिर्फ आप 35 तक दे दो, चलो 35। अब तो कम किया मैंने, दो दो पन्ने के बाद तो चार पन्ने होते, लेकिन मैं 35 तक बोला है। सब कुछ सब्जेक्टिव दोनों होगा, वस्तुनिष्ठ आते हैं क्वेश्चन, वैसे ही आते हैं मुख्य परीक्षा में, है ना? मेरी बात सुनो, मैं जैसा, तो 35 पन्ने ठीक है प्रत्युदर्पण के, 17 से लेके 35 तक सिर्फ, ठीक है, ये मेरा कोर्स है बस, ठीक। चलो मैम की क्लास है, फिर हम मिलेंगे। अरे हाँ, हाउ स्वीट, वेरी गुड। साइंस में सेल हिस्ट्री, साइंस में करा दूंगा, चिंता मत कर, सेल हिस्ट्री करा दूंगा मैं, और सेल हिस्ट्री, अभी पहले सेल के बारे में तो जानेंगे ना बेटा, सेल हिस्ट्री हो जाएगा हमारा, और जो सेल का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा हमारा, कोशिका सेल है ना, कोशिका सेल हो जाएगा हमारा, आरएनए डीएनए तक ले लो, आरएनए डीएनए में कल खत्म करा दूंगा, आरएनए डीएनए, आज मैं आपको करा दूंगा कोशिका सेल करा दूंगा, और कोशिका भित्ति करा दूंगा, सेलुलोज की बनी होती है उसके पार्ट करा दूंगा, जंतु सेल मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, ये मतलब आरएनए और डीएनए तक आएगा, तीन चार टॉपिक आएंगे जो आज और कल में खत्म हो जाएंगे, बस क्लियर हो गया, बस, थैंक यू सो मच।